Hi, hello, namaste friends. Welcome to Sharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you aaj hum banayenge bread spring roll. Ji ha, fatafat bread mein tasty spring roll bana sakte hain. Iske liye humne liya hai 2 tablespoon barik kata hua potato aloo, 2 tablespoon onion, 2 tablespoon shimla mirch, 2 tablespoons band gobi, 2 tablespoon matar, fresh dhaniya 1 tablespoon, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून सोम, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून तेल. सो आइए बनाएंगे स्वादिष्ट टेस्टी ब्रेड स्प्रिंग रोल. स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ब्रेड भी लिया है साइड कटा हुआ. सो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे सब्जी सब फ्राई करने के लिए. तेल गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे. अब इसमें ही ऑनियन डाल देंगे और आलू और ग्रीन टी और शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी मिर्च, हल्दी भी. तो अभी इसको मिक्स करेंगे. इसको लो फायर में आराम से इसको 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा. कुक करेंगे. अभी 2 से 3 मिनट कुक हो गया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे. डालकर इस तरह मिक्स करेंगे इसको. अभी सब्जी रेडी है, फ्रेश धनिया डालेंगे. गैस बंद कर देते हैं. अभी इसको एक बार मिक्स करके ठंडे होने देंगे. अभी सब्जी भी तैयार है. 2 टेबलस्पून मैदा ले लीजिए, 4 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स कर लीजिए, 2 टेबलस्पून ब्रेड पाउडर ले लेंगे. सो अभी रेडी करते हैं स्प्रिंग रोल बनाने. सबसे पहले एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड को इस तरह रख लेंगे और इसको बेल लेंगे. जैसा चपाती बनाते हैं ना हम, चपाती के लिए जैसा आटा बेलते हैं उसी स्टाइल में. देखिए एकदम पतला है ना, रेडी हो गया है. देखिए सीड्स रेडी है. अभी इसमें चारों तरफ फिलिंग के लिए जो मैदा मिक्स कर कर रखा है ना वो लगाएंगे. सबसे पहले बहुत ही अच्छा बनेगा, क्रंची भी बनेगा, एकदम सही लगेगा. तो अभी इसमें जो मिक्सर है हमारा इसको लगाएंगे. लगाकर सो ये देखिए करके ऐसे मिक्स कर देना, फिल कर देना है. देखिए ना ऐसी है ना, ऐसे सारा बन जाएगा. मैंने एक बना कर देखा है, बहुत ही अच्छा बना. देखिए इस तरह सारा फिल करेंगे. इस तरीके से सारा बना दिया है. अभी इसको फ्राई करेंगे. अभी गैस ऑन करके एक फ्राई पैन रखेंगे, तेल डालकर गर्म होने के बाद फ्राई कर लेंगे. ये देखिए हमें सारा फ्राई नहीं करेंगे, इसको मैं ना फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, बाद में जब ज़रूरत पड़े उसी वक्त यूज़ करेंगे. अभी 4 पीस फ्राई करेंगे आपको दिखाने के लिए, है ना. देखिए कितने अच्छी तरीके से एकदम क्रंची, बहुत ही टेस्ट सा बन रहा है. जब ये आप नया ताज़ा ब्रेड लेकर आएंगे ना, उसमें एक ब्रेड लेके जैसे ताज़ा होना चाहिए ब्रेड एकदम फ्रेश, उसमें एक ब्रेड लेके फ्रिज में तो कुछ ना कुछ सब्जी पड़ा होता है, थोड़ा सा रख कर उसको फोल्ड कर कर देखिए. देखिए ना कितना अच्छी तरीके से बंद होगा. अगर ऐसा बन गया फिर बनी गया हमारा ब्रेड स्प्रिंग रोल. सो अभी इसको फ्राई कर कर निकालेंगे. सो रेडी है, देखिए ना कितना अच्छी तरीके से रेडी हो गया है. अभी इसको एक प्लेट में निकालेंगे.
एकदम टेस्ट परफेक्टली रेडी हुआ है। देखिए ना कितना क्रंची, बहुत ही अच्छा बना। अभी बना कर देखिए, साथ चिल्ली चटनी, थोड़ा सा इमली चटनी लीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।